आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है कटहल, उसको लाके पीस करके धो के और उसमें से बीच में से कीटक कर छिलका निकाल लेना है जो मुंह में फंस जाता है। इस करके हमने आज कटहल को उबाल के सूखा बनाना है। आप चाहें तो पीस काट के फ्राई करके और रस वाला भी बना सकते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 1 से 2 कटे प्याज बारीक, 2 टमाटर छोटे कटे हुए, कद्दूकस किया हुआ अदरक, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, और 2 हरी मिर्च। अगर आपने ज़्यादा तेज़ खानी है तो आप 3 से 4 भी डाल सकती हैं। सूखे मसालों में हमारा जीरा, गरम मसाला, हल्दी, नमक, सूखा धनिया। अब हमने गैस के ऊपर फ्राई पैन रख के चला दिया गैस। हमारा तेल गर्म हो गया, हमने पहले डाल के रखा था इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ अदरक, ये हमने सिम पे कर रखी है। इसके बाद हरी मिर्च, कटे हुए प्याज, अब इनमें इसको फ्राई होने तक थोड़ा भूनना है। ये भी थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। जब तक ये फ्राई हो जाएगा तब तक हम ये फ्राई होते, अब हम इसको थोड़ा सा जैसे आपके सामने होने लगा फ्राई, रेड में आने लगा, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। अब हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जब तक हमने इसको भूनना है जब तक ये लाल ना हो जाए। हमने इस मसाले को ढक के रखा था 2 मिनट, अब हमने इसको खोल के देखा तो हमारा मसाला फ्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, 1/2 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच गरम मसाला। अब हमारा ये मसाला बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा मैश किया हुआ कटहल। ये आपके सामने फिर तैयार हो जाता है। अब बस हम 2 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे। आप चाहें तो और भी मसाले डाल सकते हैं, अमचूर वगैरह या मिर्च तेज। अब हम इसको ढक के रखेंगे। अब हमारी सब्जी रेडी हो गई है बन के। अब इसको ही आप देखिए आपके सामने तैयार होगी। अब हम गैस बंद कर दें। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसको खाइए, खिलाइए और हमें बताइए किस तरह की बनी हुई है। Yeah.